नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। वहीं से लेकर विपक्ष एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकान के नाम वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी के साथ साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान पर नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाने के सामान की जानकारी देनी है, दुकान के प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कुछ और लोगों ने यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड इन आवर फेवर एंड हैज ग्रांटेड अ स्टे ऑफ ऑल डायरेक्टिव्स एंड हैज नो शॉपकीपर, नो ओनर ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट विल नीड टू डिस्प्ले हिज और हर नेम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। सत्र में उठाएंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विभाजनकारी जाति प्रथा के आधार पर, धर्म के आधार पर करने का प्रयास हो रहा है कांवड़ यात्रा में, उसको आज हमने 267 में नोटिस दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रिहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर दो, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस। नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा, अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग, क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी ये कर रही है उनके बच्चों का क्या होगा, वो भी इंसान है। अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए यूपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। इसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो संप्रदाय की राजनीति खत्म हुई है, ये संप्रदाय की राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालय को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यूपी सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को पूरे राज्य में बढ़ा दिया था। यूपी सरकार के इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सियासत भी जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और बात संसद की करेंगे। संसद में आज नीट पेपर लीक पर जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के पहले ही दिन नीट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उसे फ्रॉड तक कह दिया, जिस पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब भी दिया। रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच नीट पेपर लीक को लेकर तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा, देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ए फ्रॉड, दैट इज व्हाट इज एट स्टेक हियर। मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई हो वो आज सियासत कर रहे हैं। इसकी अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान। देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपकी सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसकी दबाव में उठ रखे। वहीं संसद में अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठाए, जिसका धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं, सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। लोकसभा में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया। 58 साल पहले तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस ने जहां इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष इस पर हमलावर हो गया। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर लगी उस पाबंदी को हटा लिया गया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर मनाही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।
सरकारी कर्मचारी अब संघ के किसी भी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल से लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी इस पर प्रतिबंध खत्म कर चुके हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी अब चरम पर आ गई है। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने इस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आरएसएस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लोरिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। कौन सी आरएसएस जिस पे महात्मा गांधी की हत्या पर संदिग्ध भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा था, फिर बाद में वो प्रतिबंध हट गया, पर पिछले 60 साल से ज़्यादा से प्रतिबंधित रहे सरकारी कर्मचारी ना अटेंड कर सके। तो अब आज 10 साल तो भाजपा रही, अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी, फिर आज आरएसएस को छूट मिली है, तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन है कुछ, वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। तो क्या करना है, सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष नहीं रखना। नड्डा साहब ही तो बोले थे कि हमें उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं, हम ऐसे जीत जाएंगे, यानी वो पॉलिटिकल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने लिखा, 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था, जिसे 58 साल बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर हटा लिया। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा हुआ था, बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित लोगों को शरण देने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी का कहना है कि नागरिकता देने या शरण देना केंद्र सरकार का अधिकार है। तो फिर ममता बनर्जी ऐसी बयानबाजी आखिर कर क्यों रही है? दीदी का नया दांव, सीएए का विरोध, बांग्लादेशियों पर ममता, बांग्लादेशी जरूरी या मजबूरी, जा खटखटानी करे आमरा तादेर आश्रय निश्चय देव, एटा ইউনাইটেড নেশনস এর একটা রেজুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। मौका था टीएमसी की शहीद दिवस रैली का, लेकिन बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि वो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसा की ऐसी आग भड़की जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि अगर हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी।
लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें इसका अधिकार है। ममता बनर्जी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों का सम्मान करेगा। यदि बांग्लाय दर्जा खटखटानी करे आम्रा तादेर आश्रय निश्चय देव। एटा यूनाइटेड नेशंस एर एकटा रेजुलेशन आछे। बांग्लादेश निये आम्रा जेनो कोनो प्ररोचनाते ना जाए। बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी, ये संविधान संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। ममता बनर्जी ने यूएन के जिस प्रस्ताव का जिक्र किया उसको भी समझ लीजिए। ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए साल 1951 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का नाम है द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसे 1954 में लागू किया गया और फिर 1967 में संशोधन कर दुनिया भर के अलग अलग देशों में लागू किया गया। समझौते के तहत वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। हालांकि भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए हैं। ऐसे में भारत यूएन के प्रस्ताव के तहत किसी को नागरिकता नहीं देता है। मतलब जिस प्रस्ताव पर भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए उसका हवाला देकर ममता बनर्जी देश में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने का दावा कर रही हैं। दरअसल भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून हैं, जिसके तहत बाहर के लोगों को शरण देने का प्रावधान है और इन नियमों के मुताबिक राज्यों के पास किसी विदेशी नागरिक को शरणार्थी का स्टेटस देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों से जुड़े मामले भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो ममता बनर्जी लगातार सीएए का विरोध करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या पारसी के लिए नागरिकता का प्रावधान है। वो बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने की बात कह रही है, जबकि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में 9 मुस्लिम बहुल जिले हैं। इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। बंगाल की डेमोग्राफी में आए इस बदलाव के लिए तुष्टीकरण की राजनीति सबसे अधिक जिम्मेदार है। दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश, रीवा से आई घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरों से पूरा देश हैरान है। और अब पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और महिला आयोग ने भी मामले में रिपोर्ट तलब की है। देखिए रिपोर्ट। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश, इस घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा है। पुलिस एक्शन में है। मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। इस बीच न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से बात की। पीड़ितों का कहना है कि खनन माफिया और डंपर मालिक राजेश सिंह ने उनकी जमीन पर सड़क बनाने का ठेका लिया था और विरोध करने पर मोरम में जिंदा दफन करने की कोशिश की। पहुंचे हिनौता कोठार गांव में उस पीड़ित परिवार के पास, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये विवाद किस बात का था, कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा दफन करने की कोशिश की। तो वो जो राजेश सिंह थे वो उनको दोनों मेरी दोनों जेठानी को धकेल दी उन्हें, तो हाईवा वाला और बोला कि गिरा दो, तो वो जानबूझ के गिरा दिया उनके ऊपर। फिर मेरी दीदी लोग वहाँ पे दब गई, एक मेरी दीदी यहाँ से दबी और एक पूरी तरह से दब गई। फिर वो लोग कुछ नहीं बोले, बोले और गिराओ और गिराओ, पूरा गिरा दो, और पूरा वो हाईवा वाला पूरा गिरा दिया। फिर बोला कि वो राजेश सिंह बोले मैं 10 मर्डर कर चुका हूँ, एक और कर दूँ कुछ नहीं होगा, और मैं 50,000 पैसा लिया हूँ, मैं करके जाऊँगा, मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। फिर सब लोग बोले कि गांव के आ गए, बोले कि पैसा लिए हो तो क्या किसी की मौत कर दोगे, बोले हाँ मैं 10 कर किया बैठा हूँ, एक और कर दूँगा, कुछ नहीं होगा। फिर हो गया, सब लोग निकालने लगे, गाँव वाले आ गए, सब लोग निकालने लगे। फिर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और भी उनको संजय गांधी मिले जाया गया। पहले कल जो अधिकारी भी आए, एसपी भी आए, कलेक्टर भी आए, क्या आश्वासन दिया, किसी को गिरफ्तार किया क्या?
हाँ, एक को किया आकाश पांडे और जो और एक था वो पता नहीं मिला ही नहीं। पांडे मिला पांडे खराब और जो गोकर्ण है वो भी नहीं मिले, उनके फैमिली वाले कोई निकला ही नहीं। कल आए और वहाँ उनके घर से कोई नहीं निकला और बस एक को गिरफ्तार करके ले गए हैं और सारे लोग अंदर थे नहीं निकले। आरोपियों ने दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश की थी, घटना का वीडियो भी सामने आया था। ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं जमीन में धसी हुई हैं, लोग इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भगदड़ मची है। बताया जा रहा है कि जमीन के झगड़े में दो पक्ष भिड़ गए थे। यहाँ जबरन सड़क बनाई जा रही थी। ममता और आशा नाम की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो डंपर से मुरम उनके ऊपर ही डालकर जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। लोगों ने महिलाओं को किसी तरह से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। ये जमीन इन महिलाओं की बताई जा रही है। इस जमीन पर जबर मुरम डालकर नई सड़क बनाई जा रही है। हालांकि अब पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। घटना पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेर रही है, प्रदेश में माफिया का बोलबाला होने का आरोप लगा रही है। तो महिला आयोग ने घटना पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने मामले में DGP से रिपोर्ट मांगी है। शिवेंद्र सिंह बघेल, News 18, रीवा। और बात अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में बड़ा मोड़ आ गया है। जो बाइडेन ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है और कमला हैरिस के नाम को आगे कर दिया। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सब मानकर चल रहे थे कि अगला राष्ट्रपति चुनाव बाइडेन और ट्रंप के बीच होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से उन पर लगातार उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बन रहा था। जो बाइडेन की उम्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वो राष्ट्रपति के पद चुनाव के दावेदार भी नहीं रहेंगे। बाइडेन के बाद डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की अगली सबसे बड़ी दावेदार कमला हैरिस हैं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कमला हैरिस ने कहा है कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। दरअसल बाइडेन को ट्रंप के सामने कमजोर उम्मीदवार माना जाने लगा था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी भी बाइडेन को उम्मीदवारी छोड़ने को कह चुकी थी। इसी बीच बाइडेन को कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो बाइडेन ने कहा है कि कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है। आज मैं कमला को इस वर्ष हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूं। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति का मुकाबला कमला हैरिस और ट्रंप के बीच तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।